देखो जब नहीं मिले खाना हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, बिहारी स्टाइल। क्या है? पुष्पिट्ठा। यस पुष्पिट्ठा। हम लोग नाम तो सुने ही होंगे, बिहार का बहुत ही फेमस क्या है डेजर्ट बोल सकते हैं मगर ये जो है ना सिर्फ पुष में ही खाने में अलग मजा है। लोग सब शौक से पुष में स्पेशली हर एक घर में बिहारी का बनता है। पुष पिट्ठी नाम है पड़ा, पिट्ठी नहीं पिट्ठा, पिट्ठा। हम लोग पुष पिट्ठा मतलब ये पिट्ठा आप लोग हमेशा हर एक बिहारी के घर में पुष में आप बनता हुआ देख लेंगे। और इस आज हमारे घर में खोवा वाला बनने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए दीदी के ब्लॉग में। बहुत सारा पिठा बनता है, ऐसे बनता है क्या होता है तीसी का, आलू का, कितना लोग दाल का आलू का बनाता है, जितना वैरायटी ड्राई फ्रूट डाल के बना सकते हैं, मगर हमारे घर बादाम और खोवा का बनता है। और वो पिट्ठा देखिए मजा आ जाएगा। एक पैन गर्म हो रहा है एंड पैन में डालूंगा मैं घर का, वो क्या है घर का छोड़ा हुआ बादाम मूंगफली वाला, थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी, मतलब भून लूंगी, भून लेना है तो गर्म भी नहीं हुआ, बर्तन भी नहीं गर्म हुआ था, पहले डाल दी। ये 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 हो गया, भून गया ना रे, बोलो बंद कर दीजिए और बोल दीजिए। एंड ये हमारा खोया फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा अजीब हो गया ना, मैनेज करना पड़ेगा। चीनी डाल दी ना, अंदाज से डालना, कितना चीनी डालना है डालो जल्दी, चम्मच से डाल रही हूँ। इसको जितना मीठा उतना डाल सकते हैं, मगर खोवा भी हल्का मीठा होता है, अकॉर्डिंग हिसाब से डाली बस। तो हाथों से मैश करना है ना। हाँ मैं ये बता दूँ कि मैं भी पिट्ठा पहली बार बनते हुए इतना देख रही हूँ। हेलो ये सब नहीं, मैं आप पूरा भर के तो भरो, उतना मैं भर देती हूँ। अब ऐसे आप मुझे लगा आप चीनी कढ़ाई में मिलाते हो। नहीं वो मैं ज्यादा गीला हो जाता, तो वही बोले ना डायरेक्ट खोवा मिला। देखिए ये पूसी पिट्ठा बनाने वाली दीदी, पूसी पिट्ठा बनाने वाली दीदी और साथ में इस खोबा में पड़ने वाला है ये रोस्टेड बादाम। इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे मिक्सी में, ज्यादा नहीं मतलब पूरा थोड़ा मोटा ही रखना है, थोड़ा सा बस क्रश करना है इसको। चार इलायची को ले लेना है और इसको दम लगा कूटना है, जितना भी गुस्सा है ना घर वालों पे सारा इस इलायची को निकाल देना है। ये तुम ये क्यों निकाली, इडली वाला क्यों निकाली? नहीं इसके अंदर फंसा हुआ था। अच्छा निकाला पागल औरत चला रहे चला रहे मिक्सी चला रहे, इसको डर लगता है, छी बेशरम औरत। मैं भी इसको ऐड कर दिया बादाम का वो, एंड अभी ये इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर देते हैं। ऑन कर दे इसमें खोवा चीनी और अब मिल गया है क्या इलायची पाउडर डालिया, हमारी सासू माँ हॉल से ही हमें उपदेश दे रही हैं कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए, उपदेश भी तो वही हुआ ना, कभी कभी बीच में शुद्ध हिंदी भी बोल देना चाहिए, तब हम हिंदी भाषी हैं। हेलो एवरीवन, देखिए आज दीदी इतनी खुश होके बना रही है ना, से टफ काम शुरू होने वाला है। आटा को क्या बोलते हैं उसको, चारना डाल देती ना, गरम थोड़ा सा पानी गरम करेंगे एंड उसमें आटा डालेंगे, पानी बॉईल आने देंगे तब डालेंगे उसमें आटा। अब ये हो रहा है आटा को चारने का प्रोसेस, ये देखिए गरम पानी में दीदी डाली डाली दो एक और बस हाथ का एक्सरसाइज हो जाता है इसमें, जितना जिम हम जॉब पे जाते ना बिना जिम का एक्सरसाइज है, संभल के बाढ़ उड़ जाएगा तो दिक्कत है, कम कर दें। ये हाथ का एक्सरसाइज देखिए और ये फेस का जी निकाल निकाल के ना निकल जा रहा जी,
कहते हैं बिहारी लैंग्वेज में आटा चारना, आटा सानना नहीं चारना। जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आ रहा है वो इनकी सुपुत्री का है जो बिन बादल बरसते रहती है घर में। बोल तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट ठंडा होने दो। आज हम लोग डिनर करेंगे 11 बजे। बहुत ज्यादा गर्म है दीदी, थोड़ा ठंडा होने दो। गूंथने वाला भी दिखना चाहिए लोगों का। देख क्या करेगा खाने का, तो बहुत गर्म है यार। सब तो हो गया वैसे। चलो स्टार्ट। तो फुफू कीजिए ना हाथ को। डेड हो गया पूरा हाथ। मम्मी यहाँ पिट्ठा कुछ पुश पिट्ठा कर रही है। इसके अंदर खोबा भर रही है आटा के अंदर। बेटा तुम दोनों सही बैकग्राउंड मुझे देते रहती हो, तो तुम शांति नहीं होती हो। टेंट तुम्हारा भी बंद ही नहीं होता। मम्मी जरूरत पड़ेगी इसका भी। एक काम करो ना, दोनों आटा एक के तरफ कर लो, एक भरवा के दे दियो। मेरा ऑन करना भूल गए थे यार, इसमें डाल दिया वो गोल गोल वाला दूध में। डोंट वरी, इसके बाद वाले में डाल दीजिएगा। दूध में बहुत सारा टूट जा रहा है मम्मी, बहुत सारा टूट जा रहा है, कम कम डालो ना। ओ गॉड, बहुत सारा टूट गया यार। वो आराम से ऑलमोस्ट सारा डैमेज है। वाव, वाइट रसगुल्ला। अपने मुंह मिट्ठू इसे कहा जाता है। अपने मुंह मिट्ठू ऐसे कहा जाता है। देखो जब नहीं मिले खाना। A few moments later. आज तो मेरी पार्टी है, पिज्जा पार्टी है। पिज्जा वाली भाभी आई, आप कितना वाला है? पिज्जा वाली भाभी, चिकन वाली भाभी, फिश वाली भाभी, कितना है बनोगे आप? देखिए कैसा पिज्जा पार्टी हो रहा है। बच्चा लोग का पिज्जा पार्टी खाएगा। ये अनोखा पिज्जा पार्टी देखो, सब लोग खलिंदर की तरह खा। कैसा लगा तुमको? कैसा लगा? अच्छा खाओ ना तुम। लो
चिली प्लस मिलाम लगी हुई है ना। माय गॉड हेलो गाइस, हम लोग पिज्जा खा रहे हैं। ओह माय गॉड, हेलो गाइस, बोलो बोलो फिर से बोलो। देखो मेरे घर में पार्टी चल रहा है। आज हम लोग ने पिज्जा खाया था, आज हम लोग ने पिज्जा ऑर्डर किया था, फिर आंटी और हम लोग खा रहे पिज्जा पार्टी की है ना, पिज्जा पार्टी कर रहे हम लोग। अरे गाइस के नाना पिज्जा कैसे खा रहे हो? ले 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 ना बेटू, आज तुम वो पूरा वाइट खा जाओगे तो मान जाएंगे तुमको। फिर से बोलो तो आएगा ही दादा, हम लोग पिज्जा ऑर्डर किया और हम लोग कर रहे पिज्जा पार्टी। देखो ये और गेनो डालने में लगी। आज हम लोग ने पिज्जा ऑर्डर किया, आज चलो आज हम लोग कर रहे हैं पिज्जा पार्टी। वाह गुड, इन दोनों ऑर्गेनो डालने में चिली फ्लेक्स डालने में लगे हुए हैं। जरूर डालिएगा बोलने वाला। ये गाइस ना, हेलो गाइस, वीडियो देखता।